बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शाही चना चाट रेसिपी। चना चाट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। इसमें मैं आपको इमली की खट्टी चटनी और दही का रायता भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए हैं। इसे रात भर मैंने भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी चेंज कर दिया और इसको गलने के लिए चढ़ा रही हूँ। एक चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी गलने के लिए। तो दूसरी तरफ मैं इसका भुना हुआ मसाला तैयार कर लेती हूँ। एक चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है ये तैयार है। हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं एक चम्मच साबुत धनिया ले रही हूँ। इसको भी हम भून लेंगे और जैसे ये हल्का सा कलर चेंज करेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। इन्हें भी मैं अच्छे से भून लूँगी। देखें इसका भी कलर चेंज होगा और लाइट से इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो ये तीनों मसाले मैंने एक जगह निकाल लिए। अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमली ली है, इसके पल्स में निकाल लेती हूँ। ये मैंने गर्म पानी में भिगोई हुई थी। तो देखें यहाँ पर इसके तमाम बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने 2 चम्मच लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें चीनी के दाने ना रहें बिल्कुल भी। तो ये सिंपल सी बहुत मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो जाएगी। तो देखें ये तैयार है। अब मैंने दही लिया है 1 प्याली और ये मैंने हरी चटनी तैयार कर ली थी हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों से। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ये भी तैयार है। तो अब मेरे पास छोलों के लिए खट्टी मीठी चटनी भी तैयार हो गई है और दही का रायता भी तैयार है। तो अब हम छोलों को चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर छोले अच्छे से गल चुके हैं। इन्हें हम चेक करते हैं कि ये गल गए हैं। तो देखें ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इसमें जो ये पानी है एक्स्ट्रा, इसको हमें जलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना ये छोले घुट जाएंगे। तो देखें इसका पानी जो है यहाँ पर ड्राई हो गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोले निकाल लिए हैं। अब छोलों के साथ ही मेरे पास इसका मसाला है जो हमने भून के पीस लिया है। ये इमली की खट्टी चटनी इसमें यूज करूँगी मैं। ये इसका दही का रायता, वो भी मुझे इसमें डालना है। ये मैंने इसके लिए पापड़ी ली है। यहाँ पे मेरे पास मैंने प्याज ली है, टमाटर 1 लिया है, थोड़े से मैंने हरा धनिया पुदीने लिए हैं, 1 आलू को मैंने बॉईल करके चॉप कर लिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको छोलों की प्लेट सेट करना बताऊँगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्लेट में छोलों को निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ भुना हुआ मसाला ऐड करूँगी जो हमने तैयार किया था। ये मैं इसमें पूरे में अच्छे से डाल दूंगी। अब इसमें ये दही का रायता जो हमने बनाया था ये मैं डाल रही हूँ। देखिए दही यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना स्किप कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को दही छोलों में पसंद नहीं होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और बस इस पर जो हमने कटिंग किया हुआ हमारा मसाला है वो डालकर इसको हम सर्व कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ये इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये चाट बनके तैयार होगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब मैं इसमें जो मैंने चॉप की हुई सब्जियाँ थी वो मैं डाल रही हूँ। उसमें सबसे पहले मैं इस पर टमाटर गार्निश करूँगी। ये मैं इस पे आलू सेट कर रही हूँ अच्छे से।
अब मैं हरा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लच्छेदार प्याज कटिंग कर ली है। अब मैं छोलों पे इसको अच्छे से सेट करूँगी। प्याज को हमेशा एज अ डेकोरेट यूज़ करने के लिए इसको हम बारीक काट के अच्छे से धो लेंगे। धो के ड्राई करके हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि प्याज में एक झार होती है जो खाने में जलन सी महसूस होती है। तो देखें, अब मैं ये पापड़ी यूज़ कर रही हूँ। मैं एक पापड़ी लूँगी, इसको भी मैं तोड़ कर इस पर सेट कर दूँगी अच्छे से। तो देखें, हमारी मज़ेदार शाही चना चाट रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।